Hello everyone. In previous video, we study about the acceleration. In starting acceleration, what is acceleration? In this video, we study about when we say the acceleration is positive and negative. Okay, let's start. Then, acceleration how many types? First, positive. Second, negative. Okay? यहाँ पर हमें टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन दिख रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। तो हम कब कह सकते हैं कि कोई भी हमारा पॉजिटिव है एक्सीलरेशन या कभी कोई हमारा नेगेटिव है। तो ये डिपेंड किस चीज पे करेगा? तो पॉजिटिव में क्या होता है, द वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन में क्या होगा, इनिशियली स्टार्टिंग से हम देखें तो बाद में डिफरेंस क्या आ रहा है, स्पीड का या वेलोसिटी का तो आएगा, लेकिन वो डिफरेंस कैसा है, इंक्रीज का, ठीक है। जो स्पीड होगी जो वेलोसिटी की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यहां पर क्या होगा नेगेटिव में, द वेलोसिटी डिक्रीजेस। नेगेटिव में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डीएक्सीलरेशन भी बोलते हैं, डीएक्सीलरेशन। ठीक है, तो डीएक्सीलरेशन या नेगेटिव एक्सीलरेशन का मींस जिसमें वेलोसिटी कम हो रही है। और वेलोसिटी कम कब होती है, जब हम किसी व्हीकल पर ट्रेवल कर रहे हो और उसमें हम ब्रेक अप्लाई कर दें। जब हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीजिंग होने लगती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होता है, तो वो एक्सीलरेशन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, क्या इसमें एक बाइक है जो शुरुआत में स्टार्टिंग में कैसी थी, रेस्ट पर, रेस्ट मींस रुकी हुई थी, एक पोजीशन पर थी। उसके बाद में उसे 20 मीटर पर सेकंड तक की स्पीड में पहुंचने में 20 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो बताइए उसमें कितना एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो देखिए, u हमारी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है हमारी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियली वो कैसा था, रेस्ट पे। इनिशियली कैसा था, रेस्ट पे। तो रेस्ट का मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, फाइनली उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी की वैल्यू क्या हमारी, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम हमारा कितना लगा, 20 सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। फॉर्मूला में पुट कर दो, ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वी हमारा कितना है, 20, यू हमारा 0, टाइम हमारा 20, इज इक्वल टू 20 अपॉन 20, आंसर क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सीलरेशन कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और कैसा है हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को हम शो नहीं करते कि हम उसको लिखकर दिखाएं ये पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन जो भी पॉजिटिव होगा उसे हम एक्सीलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होगा तो उसे हम डीएक्सीलरेशन बोलेंगे, या दूसरा नाम भी क्या होता है इसका, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हीकल है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। हमने उसको इनिशियली कब माना है, जब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने जब से एग्जाम, तो इनिशियल और फाइनल का मतलब ये नहीं है कि इनिशियल का मतलब वो रेस्ट पे ही हो। इनिशियल और फाइनल डिपेंड करती है कि हमने कब से स्टार्ट किया उसको मीजर करना, हमने कब से माना कि इसको अभी हमने इनिशियल माना है और कब हमने फाइनल माना, ये हमारे ऊपर है, ठीक है ना। तो हमने क्या माना कि हमने उसकी इनिशियल पोजीशन जो मानी वो क्या थी, कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दी है। ब्रेक अप्लाई करने की वजह से उसकी स्पीड 50 से कितने पर आ गई, 20 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड में आने में, 50 से 20 तक आने में, उसकी स्पीड को इतना डिक्रीज होने में 5 सेकंड का टाइम लगा।
तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर से वही, पहले U और V और T, ये चीजें हमें पता है। U इनिशियली हमारी स्पीड कितनी थी 50, फाइनली हमारी कितनी थी 20, टाइम हमारा कितना है 5। ये मत सोचना कभी भी कि बड़ी वैल्यू V ही होगी या छोटी वैल्यू U ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, जब से हम स्टार्ट करेंगे, जिस वैल्यू के हिसाब से मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे वही हमारी U होगी, उसी के बेस पे हमारी V होगी। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, फॉर्मूला यही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। V की वैल्यू 20, U की वैल्यू 50 एंड T की वैल्यू 5। तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस का 30 अपॉन 5, इट मींस माइनस 6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आंसर हमारा क्या है, माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, सॉरी एक्सेलरेशन के टाइप हैं दो टाइप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको ये बात समझ में आई कि कब हम पॉजिटिव कहेंगे एक्सेलरेशन को, कब हम नेगेटिव कहेंगे। और एक्सेलरेशन कब कहते हैं, जब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस आए, किसी बॉडी की वेलोसिटी में जब चेंजेस आए, चाहे वो चेंजेस पॉजिटिव हो चाहे वो चेंजेस नेगेटिव हो, दोनों ही कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, केवल नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम दो तीन नाम से बुला देते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ओके, तो ये तीन टाइप के हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बताते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमें टोटली तीन इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई थी, जिसके बेस पर मोशन को डिफाइन करते हैं। क्या क्या चीज हमने उससे पहले अभी डिफाइन कर ली है, हमने मोशन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस, फिर हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब इन्हीं के बेस पर हमें कुछ और चीजें फाइंड करनी होती है, जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं, कि इक्वेशन किस टाइप से होती है मोशन की, कोई मोशन या कोई बॉडी जब मूव कर रही हो कैसे, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट अगर हो रही है तो उस कंडीशन में हमारे इक्वेशन मोशन क्या होंगे। ठीक है, तो हमारा है फर्स्ट हमारा होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमारे पास सिंपल सी बात होती है, वी नो दैट A इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये पता है आपको, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था मैंने, थोड़े पहले किया भी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम को पहुंचा देंगे एक्सेलरेशन के पास, तो ये क्या बन गया ए टी, इधर क्या आ गया वी माइनस यू। ठीक है, माइनस का यू इक्वल में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ हमारी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकेंड वो क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या बता रहा है, एस क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू किसके होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, ये केवल टाइम का स्क्वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये भी हमें प्रूफ करनी है, तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको,
हमें पता है, हमने फाइंड किया था कि एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी इज़ इक्वल टू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। ठीक है, ये हमारी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला एक और होता है वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है। तो अगर मैं टाइम को यहां पहुंचा दूं, देखो वेलोसिटी की बात हो रही है या एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, दोनों टर्म्स तो एक से रिलेटेड है ना, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस u, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद क्या आ गया, t। ठीक है, इतना समझ में आया। तो s इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये, और अपॉन में क्या है, 2। ठीक, अब u की वैल्यू हम देखते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या था, 80। v माइनस इज इक्वल टू 80, तो हम v की देख लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u प्लस 80। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस 80 u प्लस 80 प्लस u ब्रैकेट के बाद t अपॉन 2, ये ऐसे भी पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कर दीजिए सॉल्व, इसको पहले अलग कर लेते हैं। s इज इक्वल टू, यहां से हमारा क्या आ गया, देखिए जरा, 2u प्लस u 2u हो गया, प्लस 80 ब्रैकेट के बाहर t अपॉन में 2। तो s इज इक्वल टू t का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन, होल में 2 है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, या हाफ लिख सकते हैं, बात देखिए, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, अब हम थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं कि वो कैसे होगी, उसे कैसे सॉल्व करना है, और वो होती क्या, पहली बात तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये क्या बता रहा है, ये स्क्वायर ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको फाइंड करेंगे तो इसको भी किस बेस पे करेंगे, सेकंड इक्वेशन से, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, सॉरी। तो ये हमारी इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे, पहले इसमें t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, t कॉमन है दोनों के पास, तो t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, u बदल ले आओ, v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस u अपॉन a इज इक्वल टू t, ये हमारी t की वैल्यू यहां से आ गई। अब इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू v माइनस u अपॉन a ब्रैकेट में प्लस हाफ a ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू, अब जरा इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए
ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, ओपन कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, इसको पहले तो बाहर निकालो ए को, तो ए स्क्वायर बन गया, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए का स्क्वायर। अब बी माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस की जगह प्लस यू स्क्वायर माइनस टू बी यू, ये बन जाएगा। ए से स्क्वायर कैंसिल, एस इज इक्वल टू वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ वन अपॉन टू ए हो गया ये, और यहां पर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू वी यू, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इस पूरे का, तो एलसीएम क्या आ गया, टू ए, टू एलसीएम आ गया, यहां ए तो है ही, ठीक है, टू ही तो नहीं है इसके पास में, टू को पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया, टू वी यू माइनस टू यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर हमारा पूरा टू ए है, तो यहां तो हमारी वैल्यू एज इट इज रहेंगी, ओके। अब देखिए टू वी यू प्लस का टू वी यू माइनस का कैंसिल आउट, यू स्क्वायर प्लस का है माइनस टू स्क्वायर, ये माइनस का है, तो इसमें से ये दो वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस का यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर अपॉन टू ए, टू ए उधर पहुंचा दो, टू ए एस बन गया माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने इक्वल पहुंचाया तो क्या बन गया, प्लस का वी स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से आ, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन मोशन है, थ्री इक्वेशन मोशन जिनको हमने फ्रॉम इक्वेशन ही सॉल्व किया है, ठीक है ना, इक्वेशंस की हेल्प से ही सॉल्व किया है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया सॉल्व करना, और तीनों को हमने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप यूज करते हुए पिछले इक्वेशन का हमने इनको फाइंड कर लिया, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें हमारा अभी इक्वेशन मोशन को दूसरे टाइप से भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है, जिसमें हम ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टिल देन थैंक यू।